2016 में हुई नोटबंदी में यह आंकड़ा सामने आया कि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई कागज की मुद्रा कुल 18 लाख करोड़ के बराबर थी, परंतु बैंकों में जमा कुल पैसा 103 लाख करोड़ था। तो सवाल यह उठता है कि बाकी का 85 लाख करोड़ रुपए किसने बनाया? इस सवाल का उत्तर तो आप सब जान ही गए होंगे कि यह पैसा अंश रिजर्व बैंकिंग के माध्यम से बैंकों ने ही बनाया है। इस पूरी प्रक्रिया में पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो महंगाई का मुख्य कारण है। आगे पुस्तक में इसे विस्तार से बताया गया है। बैंक जितना पैसा बनाकर कर्ज के रूप में देंगे, उनको तो सिर्फ उसके उसके रिजर्व का पैसा केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। भारत में तो कैश रिजर्व रेशो 4% ही है, अर्थात बैंकों का 100 रुपये का कर्ज बांटने के लिए सिर्फ 4 रुपया रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि रिजर्व बैंक भी यह रिजर्व सिर्फ खातों में लिखती है, उसके पास भी कोई असली पैसा नहीं रखा हो रहता। सब ऐसे ही हवा में चल रहा है, यकीन नहीं आ रहा। अमेरिका राजनेता राइट पेंटमैन ने सुना था कि फेडरल रिजर्व बैंक के पास बहुत बड़ी मात्रा में नकद पैसा रखा हुआ है। तो एक बार उन्होंने यह निश्चय किया कि वो फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर देखने जाएंगे कि वहाँ कितना पैसा है। बैंक की शाखा में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ तो नकद पैसे की जगह बड़ी मात्रा में सरकारी बॉन्ड रखे हुए थे। उन्होंने जब शाखा के अधिकारियों से नकद पैसा दिखाने को कहा, तो अधिकारी उनको थोड़े से चेक और बैंक की बही खाता के अलावा और कुछ नहीं दिखा पाए। इस घटना के बाद पेंटमैन लिखते हैं कि असलियत में केंद्रीय बैंक के पास कोई नकद पैसा नहीं होता है, और ना पहले भी कभी होता था। जिसे हम बैंक का कैश रिजर्व कहते हैं, वो तो बस फेडरल रिजर्व बैंक के बही खातों में लिखा रहता है। फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा ये पैसा ऐसे ही खातों में लिखकर बना दिया जाता है और आगे पूरी बैंकिंग व्यवस्था में भेज दिया जाता है। पर आपने तो ये ही सुना होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक तो भारत सरकार के लिए पैसा बनाता है, पर ऐसा सिर्फ दिखता है, होता है नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं कि देश में पैसा बनता कैसे है। जब भारत सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वह जनता पर टैक्स लगाती है, और आवश्यकता पूरी ना होने पर भारत सरकार अपना खुद का पैसा न बनाकर कर्ज पर पैसे लेती है। मान लो कि भारत सरकार को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वह एक कागज पर रिजर्व बैंक को यह वायदा करती है कि ब्याज समेत पैसा लौटा देगी। इस वायदे को सरकारी प्रतिभूति यानी कि सरकारी बॉन्ड कहते हैं, जिसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के पास लेकर जाता है, और बदले में भारतीय रिजर्व बैंक एक 1,000 करोड़ रुपए के नोट छाप कर या सिर्फ खाते में लिखकर भारत सरकार को दे देता है। अब मान लिया जाए कि भारत सरकार ईमानदार लोगों द्वारा संचालित है और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, तो वह सारे रुपए जनकल्याण की योजना में खर्च कर देती है। पैसा जनता के पास पहुंचता है और जनता इस 1,000 करोड़ रुपए को व्यावसायिक बैंकों जैसे सिटी बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि में जमा कर देती है, और बदले में बैंक उनके खाते में पैसा लिख देता है। अब इस 1,000 करोड़ के नोट को रखकर व्यावसायिक बैंक रिजर्व रेशो, भारत में रिजर्व रेशो 4% है के रिजर्व बैंक इस 1,000 करोड़ के नोट को रखकर व्यावसायिक बैंक रिजर्व रेशो के हिसाब से 50,000 करोड़ रुपया बना सकते हैं। 1,000 करोड़ रुपया तो जमा करने वालों के खाते में लिख दिया, और बाकी 24,000 करोड़ का कर्ज बांट सकते हैं। पैसे की मात्रा बढ़ने से आई महंगाई को रोकने का हवाला देकर अब केंद्रीय बैंक इस 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड को व्यावसायिक बैंक को बेच देता है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि
केंद्रीय बैंक द्वारा बनाए गए उसके 1,000 करोड़ रुपए के नोट उसके पास वापस आ गए हैं। इस तरह केंद्रीय बैंक पैसे ना बनाकर सिर्फ एक बिचौलिए का काम कर रहा है और उस जिसके बिना तस्वीर कुछ ऐसी होगी। लाइनों को सीधा कर दे तो साफ दिखाई देता है कि जब भी भारत सरकार को कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो वह केंद्रीय बैंक के माध्यम से व्यावसायिक बैंक को कर्ज का बॉन्ड देती है और व्यावसायिक बैंक के पास कोई पैसा ना होते हुए भी वो उतना पैसा भारत सरकार के खाते में लिख देते हैं। खर्च करने पर वह पैसा भारत सरकार के खाते से अब जनता के खाते में लिखा रहता है। इसे आप आगे आगे की तस्वीर में साफ देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक का काम बैंकों द्वारा खातों में लिखे गए पैसे के लिए रिजर्व उपलब्ध कराना होता है। आप दाएं तस्वीर में देख सकते हैं कि इसे बैंक कर्ज के रूप में ले लेता है, जिसे हम पहले भी समझ चुके हैं। फेडरल रिजर्व बैंक बोर्ड के अध्यक्ष मेरिनर एकिलिस 1935 में इस प्रक्रिया के बारे में लिखते हैं, सरकारी बॉन्ड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए 1 अरब करोड़ डॉलर के बॉन्ड खरीदता है तो बैंक सरकारी खाते में 1 अरब करोड़ डॉलर लिख देता है। इस तरह से वे सिर्फ खाते में लिखकर 1 अरब डॉलर पैदा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को और आसानी से अगली तस्वीर में समझा जा सकता है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जब भी भारत सरकार या देश की जनता को कर्ज लेने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वे ब्याज समेत पैसा लौटाने का वायदा लिखकर व्यावसायिक बैंक के पास जाते हैं, जिसके बदले व्यावसायिक बैंक उतनी ही रकम खाते में लिख देता है। इन खातों में लिखे गए अंकों के लिए जिसे हम पैसा कहते हैं, बैंक हमसे सालाना लाखों करोड़ रुपए ब्याज वसूलते हैं। बैंकों के खाते में लिखे गए पैसे का 4% रिजर्व के रूप में रखना होता है, जिसे वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज पर ले लेते हैं। इस तस्वीर में आप अब इसे समझ सकते हैं। इस तरह से देश के 90 से 95% पैसे बनाने का काम व्यावसायिक बैंकों का है, जो कि सिर्फ खातों में ही बनता है और लिखा रहता है। इन खातों में लिखे गए अंकों के लिए जिसे हम पैसा कहते हैं, बैंक हमसे सालाना लाखों करोड़ रुपए ब्याज वसूलता है। बैंकों को खाते में लिखे गए पैसे का 4% रिजर्व के रूप में रखना होता है, जिसे वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज पर ले लेते हैं। इस तस्वीर में आप इसे समझ सकते हैं। इस तरह से देश के 90 से 95% पैसे बनाने का काम व्यावसायिक बैंकों का है, जो कि सिर्फ खातों में ही बनता है और लिखा रहता है। इस विषय पर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालब्रेथ कहते हैं, बैंकों के पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि दिमाग चकरा जाता है। दिमाग इसलिए चकरा जाता है क्योंकि हमें कुछ और ही सिखाया गया है। ब्रिटिश बैंकर और राजनेता रेजनाल्ड मैककेना कहते हैं कि मुझे यह पक्का पता है कि कभी भी साधारण नागरिक को यह नहीं बताया जाएगा कि बैंक पैसा बना और नष्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। कुल पैसों की मात्रा केवल बैंकों के बढ़ते और घटते डिपॉजिट और बैंक खरीद के कार्यों से बदलती है और वे लोग जो एक देश के क्रेडिट को नियंत्रित करते हैं सरकारों की नीति को भी तय करते हैं और लोगों का भाग्य अपनी मुट्ठी में बंद रखते हैं। महंगाई टैक्स बैंकों की देन। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि बैंक कर्ज देकर देश में पैसे की मात्रा बढ़ा देता है, पर क्या आपको पता है कि कर्ज का ये पैसा बैंक आपके ही जेब से चुराता है आपकी ही जेब से चुराते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की आती है और अब बैंकों ने नया पैसा बनाकर दे दिया, जिससे देश के पैसे की मात्रा मान लो 10%
10% बढ़ गई। पैसे की मात्रा बढ़ने से चीज़ों की मांग भी बढ़ जाती है, ये तो स्वाभाविक है। और क्योंकि बैंक मांग और आपूर्ति के संतुलन के हिसाब से तो कर्ज नहीं देता, तो ऐसे में अगर देश में उत्पादन के क्षेत्र में निवेश या कर्ज का पैसा न लगे तो ऐसे में मांग तो बढ़ जाती है पर उस माल की आपूर्ति नहीं हो पाती। अब वह चीज़ जो पहले 100 रुपए की आती थी उससे महंगी मिलेगी, इसे महंगाई कहते हैं। और जब अधिकतर चीज़ों की कीमत बढ़ जाए तो उसे पैसे का अवमूल्यन कहते हैं।